क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चे अपनी बोर्ड एग्जाम को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, बहुत ज्यादा चिंतित भी होते हैं कि हम इस साल बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कैसे करें। जैसा कि आपने पिछले साल देखा कि बोर्ड एग्जाम 2021 में परीक्षाएं हुई ही नहीं और छात्रों को बिना परीक्षा दिए ही पास कर दिया गया। हालांकि उसके कई सारे कारण थे जिस वजह से परीक्षाएं नहीं हो पाई, लेकिन बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए किस तरह से तैयारी करें जिससे आप अधिक से अधिक स्कोर कर पाए, क्योंकि अभी आप सभी क्लास 9th और क्लास 11th को पास करके आए हैं। अब आपका अगला गोल आपका बोर्ड एग्जाम, आपके लाइफ का, आपके एकेडमिक ईयर का सबसे इम्पोर्टेंट साल है ये। इस साल आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, किस तरह से स्ट्रेटेजी बना के चलनी है, ये सारी बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम को लेकर के हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। आज मैं आपके एक एक सवाल पर बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम की कैसे तैयारी करें, कितने घंटे आपको बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना है, और एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में अगर आप बिना गोल के चल रहे हैं, अगर आपने अपना गोल बोर्ड एग्जाम के लिए सेट नहीं किया है कि मुझे इतने ही परसेंटेज स्कोर करने हैं, तो आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपना गोल आप सेट करें। अगली बात, जो बात आपको ध्यान रखनी है वो है कि आप कितना भी ऑनलाइन क्लास कर लें, कितनी भी आप ऑनलाइन बुक्स को पढ़ लें, लेकिन हमेशा याद रखिए कि बोर्ड एग्जाम में आपको आपका पेपर रिटन पेन एंड पेपर मोड में देना है, इसलिए बुक से जरूर पढ़ें। आपकी जो भी बुक चलती है, सबसे पहले उन बुक्स को अपने पास रखें जो आपकी बेसिक बुक्स है। मेरा कहने का मतलब, अगर आप यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में हैं और बिहार बोर्ड में, जिस भी बोर्ड में आप हैं, आपके बोर्ड द्वारा जो बुक चलाई जाती है वो बुक आपके पास होनी चाहिए। दूसरी बात कि आपको हर सब्जेक्ट की, अगर मान लीजिए आपके पास 5 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, अगर ऐसे आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, तो आपके पास हर सब्जेक्ट की सेपरेट नोटबुक होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक ही कॉपी में सारे सब्जेक्ट को पढ़ने लगते हैं, सारे सब्जेक्ट को सॉल्व करने लगते हैं, ये गलती आपको नहीं करनी है। बोर्ड एग्जाम के समय जब अंतिम समय आता है तो कोई हम में से भी किताब नहीं पढ़ता, सब यही चाहते हैं कि शॉर्टकट तरीके से हम किस तरह से अपने क्विक रिवीजन को कर पाए। तो इसी समय आपकी सेपरेट नोटबुक आपका रोल निभाती है और आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आप क्या करें, जो आपके स्कूल में बनवाई जाएगी कॉपी उसको फेयर नोटबुक अलग से रखें, उससे आपका कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। आप एक खुद से अपनी सेपरेट नोटबुक बनाइए जिसमें आप अपने नोट्स बनाइए, आप जो पढ़ते हैं, आपको जो चीजें लगती हैं उनको रखिए। अगली जो बात है, ईशा, आप देखते हैं मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फॉर्मूलेस, वैल्यूज, ये सारी चीजें आपके पास होती हैं, तो आप क्या करें, एक नोटबुक बना करके सारे सब्जेक्ट की एक मोटी सी नोटबुक लेकर के आए, उसमें मैथमेटिक्स के सारे फॉर्मूले जो यूज होने वाले हैं, या फिर आपने जो कॉपी बनाई थी सेपरेट, उसके फ्रंट पेज पर ही स्टार्टिंग के कुछ पेजेस पे फॉर्मूले लिखते चले जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आप क्या करोगे कि आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो आगे के फॉर्मूले आपको जल्दी नहीं मिलेंगे। बहुत सारे फॉर्मूले तो आपको समरी में, लास्ट में मिल जाते हैं, पर कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो बीच में होते हैं, जो हमें लास्ट में नहीं मिलते। इसलिए आप करिए क्या, या तो आप चैप्टर शुरुआत होने के पहले उस चैप्टर के सारे फॉर्मूले लिख लीजिए, या फिर आप सेपरेट नोटबुक बना करके मैथमेटिक्स के अलग, फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, ये सारे फॉर्मूले आपको वैल्यूज होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये सारी चीजें बहुत काम आती हैं। आपके यूनिट्स, ये सारी चीजें अगर आपको याद रहेंगी तो आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क के, ये कभी भी छूटने वाले नहीं है, और आप किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन में यूनिट्स के साथ, सही फॉर्मूले के साथ आप क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अगली जो बात है, देखिए बोर्ड एग्जाम 2022 को जैसा आप देख रहे हैं सिचुएशन क्या है, तो बहुत सारे बोर्ड्स ने अपने सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंजेस किए हैं। तो आप क्या करें, बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप जाकर के डाउनलोड कर लें, जैसे यूपी बोर्ड की वेबसाइट है upmsp.edu.in, cbse.nic.in, ऐसी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के हमेशा अपने बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट, आप जिस भी बोर्ड में होंगे, बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, जिस भी बोर्ड में आप पढ़ते होंगे, आप जाकर के अपने बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से पहले सिलेबस डाउनलोड कर लें, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितना पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स आपके हैं। बहुत सारे बच्चे एफर्ट लगाते हैं पर वो उन टॉपिक्स को पढ़ते हैं जो उनके सिलेबस में उस करंट सेशन में होते ही नहीं है। तो इससे बचने के लिए आप अपना सिलेबस अपने पास रखें और टॉपिक्स को मार्क कर लें अपनी बुक पे कि ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अब आपको क्या ध्यान देना है कि बोर्ड एग्जाम को लेकर के आपको ये कुछ गलतियां नहीं करनी।
देखिए हम भी जब थे और आप भी जब रहोगे बोर्ड एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज आएगी कि क्वेश्चन बैंक आएगा तब हम क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे, और बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल आएगा तब हम उसी दिन को काउंट करके जिस दिन से टाइम टेबल आएगा उस दिन से अपनी तैयारी शुरू करेंगे। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अभी मेरे पास बहुत टाइम है, 8 से 10 महीने, 7 महीने, 9 महीने है, ऐसे ऐसा होता जाएगा। अगर आप तैयारी नहीं शुरू करोगे आज, तो आपके साथ ये हमेशा होगा कि आप ये सोचोगे अभी मेरे पास इतना टाइम है, मैं बाद में शुरू करूंगा। तो ये कभी भी ऐसे बच्चे टॉप कर ही नहीं पाते। अंत में स्थिति ये होती है कि वो खोजते हैं शॉर्टकट कि किस तरह से क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ के हम सिर्फ पास हो पाए। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। आपको मैं एक ही चीज बताऊंगा बोर्ड एग्जाम के लिए, जो मैं मानता हूं कि बोर्ड एग्जाम में सफलता का मूल मंत्र ये है कि डू इट नाउ, स्टार्ट नाउ। आपको क्या करना है, आज ही स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं करना कि आपको टाइम के लिए वेट करना है। देखिए रिसोर्सेज आपके पास सारे हो गए, आपको किन गलतियां नहीं करनी वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अब स्टार्ट करिए। स्टार्ट करने के लिए अपना टाइम टेबल आप बनाइए, और बिल्कुल टाइम टेबल आपको इस तरह से बनाना है जिसमें आप सभी सब्जेक्ट को टाइम दे पाए। ऐसा ना करें कि आपके पास अगर पीसीएम ग्रुप से आप पढ़ते हैं, पीसीबी से आप पढ़ते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पर ही आप फोकस दें बहुत ज्यादा। बहुत लोग मैथ्स में ज्यादा फोकस होते हैं, फिजिक्स में ज्यादा होते हैं। ऐसा होता है कि ये सब्जेक्ट ज्यादा टाइम की डिमांड करते हैं, पर मैं आपको बता दूं बोर्ड एग्जाम में वही सक्सेसफुल होता है जो हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि वो जानता है कि बोर्ड एग्जाम में हर सब्जेक्ट के नंबर बराबर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैथमेटिक्स में आपको 105 नंबर मिलेंगे, 110 नंबर मिलेंगे, वो भी आपका 100 मार्क्स का होगा। इंग्लिश भी आपकी 100 मार्क्स की होगी, आपकी हिंदी भी 100 मार्क्स की होगी। तो इसलिए बोर्ड एग्जाम में अगर आपको टॉप करना है और इजी तरीके से टॉप करना है, एक स्ट्रेटेजी के साथ जाना है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि बोर्ड एग्जाम में सभी सब्जेक्ट को हम वैल्यू दें, क्योंकि सभी के नंबर बराबर ही होते हैं। दूसरी बात जो है टाइम टेबल को लेकर के, कि स्प्लिट योर टाइम टेबल, अपने टाइम टेबल को आपको बांटना है किस तरह से, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपने ये डिसाइड किया कि मुझे 6 आवर्स पढ़ने हैं, तो आपको मैं एक जनरल एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए आपने 1.5 आवर आपने फिजिक्स पढ़ी, 1.5 आवर आपने केमिस्ट्री पढ़ी, इसके बाद आपने 2 आवर्स मैथमेटिक्स पढ़ी, और इंग्लिश और हिंदी को आपने हाफ एन आवर आपने दिया, 30 मिनट्स आपने दे दिया। तो ये आपको हमेशा करना है, डेली करना है। ऐसा नहीं करना कि आपने ये सोचा कि इंग्लिश और हिंदी मैं क्या करूंगा पढ़ के, ये तो मैं एक महीने में कवर कर लूंगा। ऐसा आपको नहीं करना। अगर आप ये गलती करेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में कभी भी सफल नहीं होने वाले हैं। दूसरी बात, अब आपको अपनी डेली रूटीन का ध्यान रखना है। डेली रूटीन आपका क्या होना चाहिए, देखिए डेली रूटीन हमेशा एक टॉपर को ही डिफाइन करता है। बोर्ड एग्जाम में मैं आपको बता दूं सक्सेसफुल वही होगा जिसका डेली रूटीन सही होगा। जैसे आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे रोज पढ़ना है। अब मुझे एनी हाउ ये नहीं करना कि मैंने एक दिन 8 घंटे पढ़ाई की, फिर मैं 4 से 5 दिन नहीं पढ़ रहा हूँ, गेम्स खेल रहा हूँ, वीडियोस देख रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, ऐसा आपको नहीं करना। आपको रोज पढ़ना है। दूसरी चीज, आपके जो फ्रेंड सर्कल होते हैं, मैंने आपको बार बार कहा है कि बोर्ड एग्जाम में आपके फ्रेंड सर्कल का भी बहुत बड़ा रोल होता है। आप उन्हीं बच्चों को दोस्त बनाएं, या कोशिश करें कि उन्हीं के सर्कल में आप रहें, कि आप कम से कम बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड अपने एकेडमिक से रिलेटेड बातें करें, क्योंकि ये साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 9th 11th जो गलती की, अब ये गलतियां आपको नहीं दोहरानी है। 9th और 11th आपको मौका देता है, पर आपका बोर्ड एग्जाम आपको गलतियां करने के बाद मौका नहीं देगा, क्योंकि ये जो आप अंक पाएंगे, ये जो मार्क्स आप पाएंगे, ये आपकी पूरी लाइफ आपके साथ रहने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपके करियर को ये इम्पैक्ट करते हैं बहुत ज्यादा। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि आपका सर्कल क्या है, आप किस तरह से सोच रहे हैं, क्या आपकी स्ट्रेटेजी चल रही है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगली जो बात है, बोर्ड एग्जाम में टॉप वही करते हैं जो सिलेबस को बार बार रिवाइज करते हैं, कम से कम 2 to 3 मल्टीपल टाइम्स और रिवीजन करते हैं। इसके लिए आपको स्टार्ट करना है आज से ही। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं भी टॉपर की श्रेणी में आऊं, मैं भी टॉपर बनूं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि मुझे सिलेबस को बार बार रिवाइज करना है। ऐसा नहीं करना आपको कि आप ये सोचकर चलें कि मेरे पास इतना समय है, मैं बाद में कंप्लीट कर लूंगा। अगली जो बात है, देखिए अंतिम महीनों में आपको करना क्या है कि सिर्फ आपको रिवीजन करना है, और लास्ट 3 to 5 years के क्वेश्चन पेपर, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसा आएगा, कौन से क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको बताता है आपका प्रीवियस ईयर पेपर। अगली जो बात है वो ये है, देखिए हम सभी क्या करेंगे, शुरुआत अच्छी करेंगे, कुछ महीनों तक, कुछ दिनों तक हम अच्छे चलेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, देखा देखी कॉपी करने के चक्कर में कि वो टॉपर है, वो अच्छा स्टूडेंट है, उसके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। नहीं, आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम में, मैंने बार बार कहा है कि अपनी बेसिक किताब पर, अगर एनसीईआरटी चलती है तो एनसीईआरटी प्लस लास्ट 3 to 5 years पेपर, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं। क्योंकि आपको ये मैं कहूंगा कि एक ही किताब को आपको बार बार कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि आप 4 किताबें लेकर आ गए, साइड बुक लेकर आ गए, क्वेश्चन पेपर कई सारे लेकर आ गए, क्वेश्चन बैंक्स लेकर आ गए, एमसीक्यू सीरीज लेकर आ गए, एग्जाम्पलर लेकर आ गए, और कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन अगर आप केवल बेसिक किताबें और लास्ट 3 to 5 years कराएंगे, इससे तैयारी करेंगे, तो आपका बहुत अच्छा होने वाला है। अगली जो बात है, देखिए
टाइम टेबल इस तरह सेट करें कि जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ें तो उसी समय आप ये देख लें कि इसमें कितने नंबर के क्वेश्चंस और कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, जिससे आपको अंदाजा लगता चला जाएगा। इसके लिए करना क्या, जैसे मान लीजिए आपने एक चैप्टर पढ़ा, मान लीजिए कि आपने लाइट पढ़ा, प्रकाश आपने पढ़ा, आज आपने लाइट पढ़ा, तो आपको लाइट के क्वेश्चंस देखने हैं कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं। आपको यही ध्यान देना है, उन्हीं क्वेश्चंस को चैप्टर खत्म होने के बाद जब आपने उसके एक्सरसाइज सॉल्व कर ली, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, तो उसी के नीचे आपको लिखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हेडिंग डाल करके क्वेश्चंस को वहीं पर सॉल्व करना है। ये क्या होगा कि जब आप बोर्ड एग्जाम के अंतिम समय में होगे तो आप बहुत जल्दी से रिकैप और रिवाइज कर पाओगे, इसलिए आपको ये स्ट्रेटेजी अपनानी है। अगली जो समस्या आती है वो ये आती है कि हम लोग किसी एक सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करते हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके पास सभी सब्जेक्ट्स इक्वल इम्पोर्टेंस के हैं और एक सीमित समय आपके पास है, तो इसी समय का यूटिलाइजेशन आपको करना है। इसलिए ये गलती आप ना करें कि आप केवल एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करें। बहुत सारे बच्चों को आप देखोगे क्लास 10th में मैक्सिमम ये होता है कि हमें मैथमेटिक्स बहुत पसंद होता है, किसी को बायोलॉजी बहुत पसंद होता है, तो वो दिन भर साइंस ही पढ़ता है या फिर वो मैथमेटिक्स को ही फोकस करता है। नहीं, आपको सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है, एक टाइम देना है, क्योंकि आपको पता है कि आपको ये 5 से 6 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं अपने बोर्ड एग्जाम की जर्नी को अच्छे से निकालने के लिए। तो बिल्कुल दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। अगर आप इस स्ट्रेटेजी चलते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक अंक आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, और आप अगर इन बातों का अच्छे से ध्यान रखते हैं, इन बातों को फॉलो करते हैं, तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, आपको कौन सी बातें अच्छी लगी कमेंट जरूर करें। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।